खोल के रखा हुआ क्योंकि इसके अंदर डबल स्टैंड भी नहीं है भाई, हटानी पड़ेगी यार अपन को। तो गाइस हो गया देखो फिट, देसी कट्टा आ चुका है अंदर डलने वाली नाइट्रोजन, इतना हाथ से दबाना नहीं पड़ता, इसको लगा दो और वो भर गई नाइट्रोजन भर गई। इस आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी हम आए हैं R3 का टायर चेंज करवाने और देखो कैसे खोल के रखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर डबल स्टैंड भी नहीं है। इसको ऐसे जैक लगा के एक स्टैंड पे लगाया हुआ है और देखो इसका आगे वाला टायर खुल दिया है। हाँ भाई साहब, पीछे से गाड़ी और आ रही है भाई, हटानी पड़ेगी यार अपन को। हाँ भाई साहब, तो अड़ जाके दादागिरी यार भाई साहब बेटा। तो गाइस देखो अभी है ना गाड़ी किस तरीके से खड़ी हुई है और ये स्क्रैच देख रहे हो आप, ये स्क्रैच है क्या, ये मिट्टी का निशान है ये? हाँ। तो गाइस देखो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ बैठा हुआ हूँ और हम टायर इसलिए चेंज करा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी का टायर चोरी हो गया था। भाई चोरी कैसे हो गया यार बताओ, लोग गाड़ी का टायर ही निकाल के ले जाते हैं यार। चलती गाड़ी में टायर चोरी हो गया था गाइस, बताओ आपको। देखो चलती गाड़ी में टायर कैसे चोरी हो सकता है भाई साहब, आप देखिए आप तो एक टायर में जब अपन चला रहे थे गाड़ी अपनी एक टायर में थी, तो सामने तो खोल के ले गए थे उसको टायर। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। गाइस अभी हम एक टायर पे आए, आप देख सकते हो मैं पीछे से पूरा घिसटा हुआ हूं। कौन है ये लोग, मैं सोचा था यही लगेगा। गाइस देखो टायर क्या मस्त लग रहा है लगने के बाद, और रिम का कलर देखो क्या चमक रहा है यार। आहा ऐसा मन कर रहा भाई साहब इसके ऊपर जीप रगड़ लूं यार। रगड़ लूं क्या जीप भाई साहब, आपने रगड़ ली क्या जीप इस पे भैया? इसका टायर लगाना थोड़ा मुश्किल होता होगा ना स्प्लेंडर के मुकाबले, है ना? तो गाइस हो गया देखो फिट, फिटम फिट हो गया, बस इतना सा ही काम था। ये गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ेगी, ये मेरी छाती में चढ़ने वाली गाड़ी, आजा आजा चढ़ा दो भाई, देसी कट्टा आ चुका है। ये तो AK-47 की तरह फायरिंग, भैया नट गिर गया, लग भी गई क्या भैया? अरे सही से तो लगाया ना यार भाई साहब, यार नाइट्रोजन भी डल गई, अरे नाइट्रोजन ही डली भाई साहब, भैया नाइट्रोजन डाली क्या इसमें? नहीं डाली यार। गाइस अभी इसके अंदर डलने वाली नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ही टायर उड़ेगा हवा में। हाँ यार सर्विस के बाद तो आज गाड़ी चमक रही है, अब इसके ऊपर ऐसे नोजल लग रही है देखो भाई। पीछे भी डाल देना, हवा निकल गई गाइस पूरी। तो गाइस पूरे टायर की हवा निकाल के खाली कर लिया हमने। गाइस देखो गाड़ी बिल्कुल मेरे छाती पे आ गई है, तो वो भर गए नाइट्रोजन भर गए। भाई साहब आगे पीछे करके दिखा रहे हैं, दिखाओ भाई साहब दिखाओ, आगे पीछे करके दिखाओ। ये गाड़ी हो रही न्यूट्रल, टायर देखो नया लगने के बाद क्या चमकता है, तो पुराने होने के बाद ऐसे हो जाते टायर। अरे भाई साहब क्या मेरे मुंह पे चढ़ाओगे क्या? गाइस देखो आगे से इसका जो लुक है ना आखिरी का, वो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा पीछे वाले में भी लग रही है क्या? तो गाइस देखो पीछे वाले में भी लग रही है, पहले पीछे वाले की हवा निकली उसके बाद नाइट्रोजन कनेक्ट होती है। इसमें आगे पीछे कितना टाइम चलता है? पीछे 35 आगे 30। और इधर रोडों पे देख सकते हो आप गाइस जाम लग चुका है, ना हाथ से दबाना नहीं पड़ता, इसको लगा दो और उसके बाद मशीन में टेम्परेचर सेट कर दो नाइट्रोजन की मशीन में, अपने आप डलना चालू हो जाएगा। तो गाइस हमारा हो चुका है कंप्लीट पूरा काम, आगे पीछे दोनों तरफ नाइट्रोजन डाल दी और आगे का टायर भी गाइस पूरा चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हो चेंज होने का, दिए हरी कलर की लाइन है, मुझे समझ नहीं है किस चीज़ की है। बाकी देखो टायर हो चुका है चेंज MRF, और टायर लगने के बाद गाइस देखो आ चुकी है गाड़ी हमारी